सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल SHT चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा बैटरी के बारे में। बैटरी जो आपके स्मार्टफोन में लगी होती है, लिथियम आयन बैटरी है या लिथियम पॉलीमर बैटरी है, इन दोनों ही टेक्नोलॉजी में कौन सी सबसे बेहतर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए बैटरी के कितने प्रकार होते हैं, किन किन तकनीक से बैटरी बनाई जा सकती है। मैं आप लोगों से बात करूंगा इस वीडियो में तीन तरीके की। पहली निकिल कैडमियम, दूसरी लिथियम आयन, तीसरी लिथियम पॉलीमर। निकिल कैडमियम को कई वर्षों पहले उपयोग में लिया जाता था, आजकल निकिल कैडमियम की तकनीक को उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो मैं बात करूंगा आप लोगों से लिथियम आयन के बारे में। लिथियम आयन का उपयोग कई वर्षों से होता चला आ रहा है। इसका आकार फिक्स होता है, स्थिर होता है, इसको चौकोर में ही बनाया जा सकता है और इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी से एक साथ कई उपकरण नहीं चलाए जा सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन में ये विशेषता नहीं है कि एक बार में वह अपनी सारी एनर्जी को निकाल पाए। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में एक अलग से ओवरचार्जिंग सॉकेट लगाया जाता है, या तो वो बैटरी में ही लगाया जाता है या फिर उसको डिवाइस में भी लगाया जा सकता है। लिथियम आयन की उम्र भी और जितनी टेक्नोलॉजी हैं, लिथियम पॉलीमर हो गई जैसे और भी टेक्नोलॉजी हैं, उन जितनी ही होती है। लिथियम आयन जो बैटरी है वो वजन में थोड़ा भारी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं लिथियम पॉलीमर के बारे में। यह आजकल ज़्यादातर उपकरणों में उपयोग में ली जा रही है। इस तकनीक में जेल का उपयोग किया जाता है, जिससे वह काफ़ी लचीली यानी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इस तकनीक की मदद से लिथियम पॉलीमर को एक ATM कार्ड जितना पतला बनाया जा सकता है और इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लिथियम पॉलीमर में एक विशेषता है, वो एक बार में कई उपकरण को चला सकती है, यानी कि आप ऐसे मान के चलिए एक बार में अपनी सारी एनर्जी को वो निकाल सकती है। ये ज़्यादातर खिलौनों में यूज़ की जाती है और भी कई सारे उपकरणों में यूज़ की जाती है, ड्रोन्स में यूज़ की जाती है, क्योंकि एक साथ उसमें कई सारी मोटर्स का उपयोग किया जाता है चलने के लिए। इसमें ओवरचार्जिंग के लिए कोई भी सॉकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद में ही सक्षम होती है ओवरचार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए। और ये नैनो टेक्नोलॉजी में भी यूज़ की जाती है, जैसे ईयरफोन हो गया आपका, ईयरबड्स हो गया जो वायरलेस जो होते हैं, और स्मार्ट बैंड हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई, क्योंकि इसको किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं और कितना भी पतला बना सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। और आजकल तो ऐसे स्मार्टफोन आने लगे हैं जो फोल्ड हो जाते हैं, तो उसमें बैटरी के लिए एक अलग से जगह निकालनी पड़ती है। लिथियम पॉलीमर की ये एडवांटेज है, वो किसी भी शेप में ढाला जा सकता है उसको। इसका खर्चा लिथियम आयन से 10-15% महंगा होता है और ये वजन में काफ़ी हल्की होती है। अगर लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ एक स्मार्टफोन में किया जाएगा और जो एक स्मार्टफोन में लिथियम आयन का यूज़ किया जाएगा, तो लिथियम आयन स्मार्टफोन का वजन थोड़ा सा ज़्यादा होगा और लिथियम पॉलीमर बैटरी का वजन थोड़ा कम होगा। और आकार में भी परेशानी नहीं आती है, इस वजह से अभी ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो लिथियम पॉलीमर का ही यूज़ करने लगी हैं। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस टॉपिक के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।